ओके तो वेलकम बैक टू गाइस। आज मैं आप सभी के यहाँ पर फिर से एक न्यू एप्लीकेशन और एक न्यू वेबसाइट लेके आ चुका हूँ, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे अर्निंग करनी है, लाइव या पेमेंट भी लेकर दिखाऊंगा, ठीक है। 200 रुपीज़ करके मिनिमम यहाँ पे आप लोग लूट पाओगे, ओके। और बाकी आपको यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट या फिर कोई भी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले यहाँ मिल जाती है। जो मैं आपको वेबसाइट बताने जा रहा हूँ उसकी अपडेट सबसे पहले आपको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दी थी, क्योंकि भाई देखो वीडियो बनाने का टाइम कभी कभार नहीं मिल पाता तो मैं टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट दे देता हूँ, तो ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो। तो चलो हम लोग आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, आप लोग जिस वेबसाइट का नाम बताने जा रहा हूँ, उस वेबसाइट का नाम है dotwin वेबसाइट की मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कोई हैक नहीं बताने जा रहा हूँ, सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपल सा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, उस पर जैसे आप लोग टैप करोगे, तो गाइस जैसे आप लोग उस पर टैप करोगे, टैप करने के बाद आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने को कहेगा। आपको अपना मोबाइल नंबर एक डाल देना होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे अपने आप यहाँ पे OTP उस नंबर पे भेज दिया जाएगा। OTP जैसे आप लोगों का यहाँ पे आएगा, उस OTP को डाल देना, फिर पासवर्ड सेट करने को कहेगा। पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेना, ठीक है। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा, फिर लॉगिन पे सिंपल से टैप करना। जैसे लॉगिन पे टैप करोगे, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना होगा। चलो मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो फाइनली गाइस देखो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, मेरे यहाँ देखो 137 रुपीज़ पड़े हुए, ठीक है। लाइव यार इसको भी अर्निंग बढ़ा के दिखाऊंगा, विड्रॉ लगा के दिखाऊंगा। तो देखो आज मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ यहाँ पे फास्ट प्रायोरिटी की बताने जा रहा हूँ, मगर एक बात बता दूँ कि यहाँ पे ऐड मनी अगर करना तो अपने रिस्क पे करना, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको 10 रुपीज़ का साइनअप बोनस मिल जाता है, ठीक है। 10 रुपीज़ का साइनअप बोनस से ही करना, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपको विड्रॉ के लिए कोई भी ऐड मनी करना यहाँ पे कंपलसरी नहीं होगा, तो आप लोग यहाँ पे विड्रॉ तो आराम से कर पाओगे, बाकी आप लोग साइनअप बोनस से ही यहाँ पे अर्निंग करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको हर अकाउंट पे 10 रुपीज़ का साइनअप बोनस मिलेगा, ठीक है। तो चलो मैं फास्ट प्रायोरिटी पर सिंपल से टैप करता हूँ। मेरे को भी 10 रुपये साइनअप बोनस मिला था, मैंने कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज़ करके यहाँ पे 137 रुपीज़ के, वो भी मैं आपको अभी लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले टाइमिंग खत्म दे देता हूँ। देखो यहाँ पे जो आपको एवरी वन यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है, इसी से आपको यहाँ पे एक ट्रिक मिलती है, ठीक है। और वो ट्रिक यहाँ पे कैसी है, देखो यहाँ पे सबसे पहले जैसे यहाँ पे टाइमिंग खत्म हो, टाइमिंग खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे इसको तुरंत रिफ्रेश कर देना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे उसके बाद तुरंत आपको नीचे देखना होगा किस नंबर पे हाई अमाउंट लग रहा है, ठीक है। ऊपर थोड़ा ऐसे कर लेना, देखो इसमें 300 रुपया रेड पे लगा, ऐसा नहीं कि 3 से 4 बार रेड लगा तो आएगा ही, ठीक है। देखना है किस पे अमाउंट ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ग्रीन पे यहाँ पे 50-50 ही लग रहा, तो मैं यहाँ पे 10 रुपये यहाँ पे रेड पर ही लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 रुपया रेड पर लगा दिया, आपको फिर से बता रहा हूँ कि देखो ऐसा नहीं है कि रेड ज्यादा लगे तो ज्यादा इस पे अमाउंट देखो ज्यादा लगनी चाहिए, ठीक है। जिस पे ज्यादा अमाउंट लगेगी उसको आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। तो गाइस देखो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ, देखते हैं आता है या फिर नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रीन आ चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। रिफ्रेश कर लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पे फिर से देखेंगे आप किस पे लग रहा है, ठीक है। तो देखो फिर से यहाँ पे 10,000 रुपया जैसे कि रेड पर लगा हुआ है, ठीक है। और फिर से देखो यहाँ पे 15,000 किसी ने रेड पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से रेड के साथ ही जाएंगे और आपके यहाँ पे 30 रुपये लगाएंगे, ठीक है। पहले 10 लगाए थे, आपके हम लोग 30 लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों का जो लॉस हुआ वो रिकवर भी हम लोगों को करना होगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे रेड पे जिस पे ज़्यादा अमाउंट लग रहा है, बस आपको उसी को लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई हैक नहीं है, एक सिंपल सी बस ट्रिक है, ठीक है। तो गाइस देखो मेरा यहाँ पे रेड आ चुका है, मेरा मैंने यहाँ पे पहले 10 आ रहा था, मेरे को 30 यहाँ पे 58 रुपीज़ यहाँ पे मेरे हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसको फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। तो गाइस देखो टाइमिंग मेरा कम बचा हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं रिजल्ट नहीं फाइंड करवाऊंगा। देखो जब जीरो हुआ करें ना, तुरंत रिफ्रेश कर दिया करो, ठीक है। जीरो पे ही आपको रिफ्रेश करना होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जीरो पे जो है वो यहाँ पे रिफ्रेश नहीं किया, तो मैं यहाँ पे जीरो होने देता हूँ, उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे बेट लगाऊंगा, ओके। नहीं तो आप लोग यहाँ पे कायदे से नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जीरो हुआ, मैं तुरंत इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा पेज को, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ पे अब देखना है किस पे अमाउंट ज़्यादा लग रही है, ये नहीं देखना किस कितने लग रहे हैं, ये नहीं देखना आपको, अमाउंट देखनी। जैसे कि देखो ग्रीन पे जो यहाँ पे 100 रुपये लगा, उस पर 50 लगा, ठीक है। अभी देखो उस पर 50-50 लग चुका है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जैसे ग्रीन अब के आने का चांस है, ठीक है। तो मैं 10 रुपये यहाँ पे ग्रीन पे लगाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ग्रीन पे देखो 400-300-700 रुपये ग्रीन पे लगाया, और बाकी यहाँ पे रेड पे ज़्यादा अमाउंट नहीं लग रही है, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, ठीक है यार। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देखो रेड पे भी किसी ने यहाँ पे फिलहाल 2,000 रुपया लगा दिया, लेकिन ग्रीन पे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो बूम गाइस देखो हम लोगों का यहाँ पे जो ग्रीन आ चुका है यार, ओके। तो हम लोग देखो फिर से यहाँ पे विन कर चुके हैं, हम लोगों का यहाँ पे 19 रुपया विन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे देखो मैंने रिफ्रेश करना मैं भूल गया, ओके। मैं यहाँ पे देखने के चक्कर में रिजल्ट रह जाता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं फिर से यहाँ पे टाइमिंग खत्म होने देता हूँ। देखो मैंने इसी स्ट्रेटजी से यहाँ पे 137 रुपये किए हैं 10 रुपीज़ से, ओके। तो आप लोग यहाँ पर जो 10 रुपया साइन अप बोनस मिले उसी से आप लोग यहाँ पे करना, और अगर करना चाहो ऐड मनी तो 10-20 रुपये की करना, 100-200-400 की ऐड मनी बिल्कुल भी मत करना यार, ओके। अब देखो जैसे जीरो हुआ मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ये कोई हैक नहीं है, एक सिंपल सा ट्रिक है सिर्फ, ठीक है। देखते हैं अब किस पे कितना लग रहा है, ठीक है। देखो जैसे कि ग्रीन पे अभी 50 रुपया सिर्फ लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे रेड पे 15,000 किसी ने लगा दिया भाई, ठीक है। टाइमिंग भी ऊपर देखते रहना, ओके। 5 सेकंड में आपका नहीं लगता है, ठीक है। तो देखो ग्रीन पे यहाँ पे 10,000 किसी ने लगाया, ओके। तो ग्रीन आने के ज़्यादा चांस हैं अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 रुपया ग्रीन पे ही लगाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने देखो 20,000 इस बार लगा दिया, ओके। मैंने ध्यान नहीं दिया, 20 लग गया, 10 पे गलती से क्लिक हो गया यार, ओके। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन पे लगा दिया है, ओके।
तो देखते हैं यहाँ पे ग्रीन आता है या नहीं आता। मेरे को तो लग रहा है रेड पे, क्योंकि शायद यहाँ पे रेड का यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पे फाइनली ग्रीन ही आ चुका है। ओके, लक यहाँ पे अच्छा था, 20 मैंने लगा दिया था। ठीक है, गलती से दब गया था, चलो हम लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ। ओके, क्योंकि यहाँ पे 10 रुपये ही लगाना आप लोगों के, 20-30 मत लगाना, ज़्यादा लालच में मत आना। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मेरा यहाँ पे टाइमिंग निकल जाने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे लगाएंगे। ठीक है यार, देखो 10 रुपीज़ से लगाना। ठीक है, वो 20 रुपये मेरे गलती से यहाँ पे लग गया, वो मैंने 20 रुपये जानबूझ के नहीं लगा था, 10 रुपये गलती से क्लिक हो गया, मैं इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो टाइमिंग खत्म होने देता हूँ, उसके बाद देखते हैं हम लोगों का यहाँ पे क्या होता है यार। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरी जो टाइमिंग है यहाँ पे खत्म हो चुकी है, अब मैं इसको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करूँगा, जिससे नीचे का जो रिजल्ट है वो भी रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, देखो ऊपर जब 10 सेकंड बचा करें तब आप लोग यहाँ पे आराम से लगा दिया करो। ठीक है, नहीं तो आप लोगों का टाइमिंग निकल जाएगा। जैसे देखो ग्रीन पे अभी रुपया लग रहे हैं ज़्यादा अमाउंट। ठीक है, ग्रीन पे ज़्यादा अमाउंट लग रहा है, देखते हैं 10 सेकंड जब बचेगा तो जिस पे ज़्यादा लगा होगा वो मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो देखो अभी रेड पे 2000 रुपये किसी ने लगाया, ग्रीन पे 15, तो मैं ग्रीन पे ही 10 रुपये यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने ग्रीन पे 10 रुपये यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन पे जो देखो यहाँ पे 15000 रुपये किसी ने लगाया हुआ है। ठीक है, अगर ग्रीन नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग यहाँ पे 30 रुपये लगा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है यार। ओके, तो बूम गाइस, देखो ग्रीन आ चुका है हम लोगों का, और हम लोगों का जो भी पैसा होगा यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, देखो मेरे यहाँ पे 19 रुपया हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चलो एक दो बार और यहाँ पे गेम खेल लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो टाइमिंग खत्म हो चुकी थी, फिर से मेरा यहाँ पे 0 होने देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, देखो एक बार मैं लॉस हुआ इस ट्रिक से, ऐसा नहीं कि भाई आप लोग लॉस नहीं होगी, आप लोग हार नहीं सकते, कोई एक ट्रिक है, कोई हैक नहीं है, ये फिर से बता रहा हूँ, ये ट्रिक है। मैंने रॉयल बेन में भी आपको सिर्फ एक ट्रिक बताई थी, आप लोग समझे तो एक हैक है कि आप लोग उससे विन ही करोगे, कोई विनिंग ट्रिक 100% नहीं, लेकिन हाँ आपको यहाँ पे चांस कुछ बढ़ा देती है जीतने का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाक से इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ अब यहाँ पे किस पे ज़्यादा अमाउंट लग रहा है। ठीक है, देखो जब 10 सेकंड पर बचा करें तो अपना देख लगा दिया करो। ठीक है, जिस पे ज़्यादा अमाउंट आपको लगे कि लग रही है, तो देखो यहाँ पे जैसे 800-900 रुपये ग्रीन इस पे लग चुके हैं रेड पे। ठीक है, रेड पे 900 रुपये लग चुके हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे रेड पे ही ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आपके इस पे लगता है, देखो रेड पे ही लग रहा है, तो मैं यहाँ पे रेड पे ही 10 रुपया यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे रेड पर 10 रुपया लगा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेड पे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा रेड को ही लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अब क्या आता है। ओके, तो वेट करते, तो गाइस देखो यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे आ चुका है, तो हम लोगों का यहाँ पे देखो लॉस हो जाएगा। ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग यहाँ पे इसको तुरंत के तुरंत रिफ्रेश कर देंगे, हम लोग उसका रिजल्ट आने का वेट नहीं करेंगे। ओके, नहीं तो यार वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो देखो अभी यहाँ पे ग्रीन पे 50 लगा, इस पे 70 रेड पे लगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे फिर से देखो यहाँ पे लग चुका है रेड पे ही। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे किस पे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10,000 रुपया ग्रीन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 30 रुपये यहाँ पे ग्रीन पे लगाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने देखो 30 रुपये यहाँ पे ग्रीन पे लगा दिए। ठीक है, अगर 30 हारूंगा तो 70 रुपये लगाऊंगा ग्रीन पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ग्रीन पे, क्योंकि भाई 10,000 रुपया लगा था इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो बूम गाइस, देखो मेरा ग्रीन आ चुका है और मेरा यहाँ पे जो 30 रुपये मैंने लगाया था विनिंग हो चुका है। देखो 58 रुपये हो चुका है टोटल, मेरा यहाँ पे अमाउंट जो है वो यहाँ पे विड्रॉएबल हो चुका है। सिर्फ यहाँ पे मेरी 2 लॉस हुई हैं और मेरी बाकी यहाँ पे विनिंग्स हुई हैं इस ट्रिक से। ठीक है, मैंने इसी ट्रिक से यहाँ पे इतने रुपए भी किए हुए हैं। ओके, और बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे 200 रुपये हो चुके हैं 137 रुपीज़ से। अब मैं यहाँ पे विड्रॉ पर सिंपल से टैप करता हूँ, मिनिमम विड्रॉ यहाँ पे 200 रुपीज़ का है। आपकी यहाँ पे UPI ID ऐड नहीं रहेगी, आपको यहाँ पे अपनी UPI ID सबसे पहले ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पे आपको 30 रुपीज़ का जो ट्रांजेक्शन फीस कटेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको अपना पेटीएम जो यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ, मेरे पेटीएम में कितने रुपये पड़े हुए हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे विड्रॉ लगा के आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसकी पेमेंट जो है बिल्कुल आपको यहाँ पे तुरंत के तुरंत मिल जाती है, लगभग 10 मिनट शायद लगती होगी, या फिर शायद मेरे को तो लगता है 10 मिनट भी नहीं लगती होगी। ठीक है, पासबुक पे हम लोग चलते हैं सिंपल सा। ओके, पासबुक में चलने के बाद देखते हैं हम लोगों को यहाँ पे कितना अमाउंट यार पड़ा हुआ है। ठीक है, चेक बैलेंस यहाँ दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप करेंगे। चेक बैलेंस पे टैप करने के बाद देखो 443 पड़ा, और नीचे देख सकते हो मेरी लास्ट यहाँ मेरी 2 रुपीज़ यहाँ पे मेरे को रिसीव हुए थे। ठीक है, ये है। ओके, अब फिर यहाँ पे विड्रॉ लगाते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे UPI ID अपनी यहाँ पे चेक कर ली, मेरी UPI ID सही है। मैं क्या करूँगा, 213 रुपये के यहाँ पे विड्रॉ लगाऊंगा 100% सेलेक्ट करके। ठीक है, जिसमें 30 रुपीज़ के यहाँ पे विड्रॉ फीस लगेगी, तो मेरे को यहाँ पे लगभग 283 या 293 कुछ ऐसे रुपीज़ रिसीव होंगे। ठीक है, तो मैं चलो यहाँ पे विड्रॉ पे सिंपल से टैप करता हूँ, यस श्योर पे टैप करता हूँ। ठीक है, यस श्योर पे टैप करने वाले को अभी ट्राई अगेन बता रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे कभी कभार यहाँ पे एरर आ जाता है, क्योंकि इनके सर्वर में यार प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूं। ओके, तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे 15 मिनट बाद जब मैंने यहाँ पे ट्राई किया, तो ट्राई गिन वाला ऑप्शन खत्म हो गया था और मेरा यहाँ पे 213 रुपये का विड्रॉ लग गया था। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको ओके करते हैं, और नीचे देख सकते हो आप यहाँ पे मेरा जो विड्रॉ यहाँ पे अभी प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। ओके, देखते हैं यहाँ पे कितनी देर में सक्सेस हो जाता है। यहाँ पे लिखा तो था कि 10 मिनट में आपका यहाँ पे विड्रॉ सक्सेस हो जाएगा यार। ओके, फिलहाल हम लोगों ने पेटीएम में चल के यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितनी देर में हम लोगों का यहाँ पे विड्रॉ जो यहाँ पे हम लोगों का रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं नीचे हम लोगों को विड्रॉ रिसीव होने का पेमेंट हिस्ट्री में सबसे पहले देख लेते हैं। ओके, तो गाइस देखो आपके सामने मैं पेटीएम ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी भी देखो यहाँ पे 2 रुपया यहाँ पे वो पड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो 11:48 यहाँ पे हो रहा है, मैं बैलेंस एंड हिस्ट्री पे चलूँगा। ओके, तो यहाँ पे अभी भी देखो मेरा बैलेंस यहाँ पे अभी नहीं आया, वो मेरा 443 हुआ है। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे वेट करते देखते हैं हम लोगों का पेमेंट यहाँ पे कितनी देर में आता है, 11:48 हो रहा है, ओके हम लोगों का देखते हैं सक्सेस यार कितनी देर में हो जाता है। तब तक मैं इसको यहाँ पे यार रिफ्रेश कर लेता हूँ कि तो अभी भी देखो प्रोसेसिंग में मैक्सिमम यहाँ पे 10 मिनट इसने बताया हुआ है कि लगेगा, तो हम लोग 10 मिनट वेट करते हैं ठीक है। देखते 11:48 हो रहा है, वेट करते हैं देखते कितनी देर में पेमेंट करता है। ओके तो फाइनली गाइस देखो मेरा यहाँ पे ऊपर से जो मैसेज आ चुका है 11:54 पे मेरा मैसेज आया हुआ है कि मेरे को 183 रुपीज़ जो मेरे बैंक अकाउंट में यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं यार, ओके जो कि यहाँ पे 30 रुपये ट्रांजेक्शन फीस कटने के बाद होता है, मगर यहाँ पे अभी भी प्रोसेसिंग में शो कर रहा है ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 से 2 मिनट में आप लोगों का अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे भी सक्सेस हो जाएगा ओके। तो मैं चलो फटाफट से आपको पासबुक में चल के दिखाता हूँ कि मेरे को यहाँ पे 183 रुपये रिसीव हुए हैं या नहीं ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझको यहाँ पे 183 रुपीज़ जो है वो मेरे को यहाँ पे रिसीव हो गए हैं, मुश्किल से लगे हैं 7 से 8 मिनट लगे हैं ठीक है। आप ये मैंने 10 रुपीज़ से देखो यहाँ पे स्टार्टिंग की थी, 10 रुपीज़ मैंने वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, साइनअप बोनस मिला था वो 10 रुपीज़ से मैंने 137 रुपीज़ किया, और 130 रुपीज़ से आप लोगों के सामने मैंने 213 रुपये किए, और फिर मैंने 213 रुपये का विड्रॉ लगाया जो कि मेरे को यहाँ पे 183 रुपये 30 रुपये ट्रांजेक्शन फीस कटने के बाद पड़ गया ठीक है। यहाँ पे रिचार्ज कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग यहाँ पे आराम से अगर रिचार्ज करने को भी कहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का रिचार्ज करना, इसके ऊपर तो रिचार्ज करना ही मत, और आपका यहाँ पे 200 का विड्रॉ लग जाएगा आराम से, आपको 170 रुपीज़ का तो फ़ायदा हो जाएगा ठीक है। देखो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, मैंने इसी स्ट्रेटजी और इसी ट्रिक से मैंने यहाँ पे इतना किया है 10 रुपये से, तो आप लोग भी आराम से कर सकते हो ओके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को या सब्सक्राइब कर दो ओके। तो मैं एक बार वहाँ पे और चेक कर लेता हूँ कि मेरा वहाँ पे सक्सेस शो कर रहा है या फिर नहीं अभी कर रहा है ठीक है। तो अभी भी देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग शो कर रहा है, पता नहीं क्यों प्रोसेसिंग में मेरा यहाँ पे शो कर रहा है, बट मेरा वहाँ पे पेमेंट जो यहाँ पे आ चुका है ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पे भी छोटे मोटे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं ओके। तो गाइस हम लोग मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू ट्रिक और एक न्यू एप्लीकेशन एक न्यू वेबसाइट के साथ, तब तक के लिए यार गुड बाय।